4 अक्टूबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हुआ है। हाइस्ट बारिश मिला पानपोस में 83.4 मिलीमीटर। अभी हमारा अक्टूबर महीना का 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक बारिश का जो स्टेटस है इसमें 18.9 मिलीमीटर बारिश टोटल हुआ है। 21.7 मिलीमीटर स्वाभाविक होता है, 13% कम है तो स्वाभाविक करेंट नहीं है। अभी अगला 5 दिन के लिए जो हमारा फोरकास्ट रहेगा इसमें मेनली थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ ही बारिश होगा कुछ कुछ स्थानों पर। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग भी है। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में इसका साथ केउनझर, मयूरभंज, रायगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, कोरापुट, मलकानगिरी सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 24 आवर्स का बाद भी हमारा कुछ कुछ स्थानों पर ही बारिश रहेगा। कल इसमें भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है। कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहंडी, कंधमाल, बोध, अंगुल, ढेंकनाल, केउनझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक के सब डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 3 को भी हमारा कुछ कुछ स्थानों पर मिलने इंटीरियर उड़ीसा में कोस्टल उड़ीसा में एक तो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होगा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ही। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग 6 को है नवरंगपुर, नवापुरा, बलांगीर, बरागढ़, झारसीगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केउनझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल मिलाकर के जो है अभी कुछ कुछ स्थानों पर ही स्कैटर्ड वे में फ्यू प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ही होगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में आज नेक्स्ट 24 आवर्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का चांसेस है। पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का चांसेस है।